सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ सबसे पहले कि आप सबको रोज़े तो नहीं लग रहे, और जैसे कि आपने कल वाले ब्लॉग में देखा कि हम सबकी तारीफ़ें हो रही थी, और हाँ, और लास्ट में बची थी भाभी। भाभी का देखते हैं, आज भाभी की तारीफ़ सुनते हैं कि किस किस ने भाभी की तारीफ़ करी। और वैसे भी आज तो भाभी के भाई आए हुए हैं, उनसे भी उनकी तारीफ़ सुनते हैं। चलिए देखते हैं। फरदीन चोरी वाला आदमी गली चलेगा? नहीं नहीं, मुझे पता चल गया क्या कह रहा है। तू मेरी बात सुन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ब्रोस। बिग बॉस का घर उड़ गया। गाना वो जाओ, गाना वो जाओ। आज तो भाई सुहेल भी आए हुए। हेलो शेजी, शेजी भाई, ठीक हो तुम? रोजे रख रहे हो? बताने कितने रोजे हुए? इतना ध्यान नहीं रखते, जितने भी हो रहे हो ऐसे रखो, याद मत करो, सबसे बेहतर होगा। अच्छा, रखे भी थे या नहीं? अल्लाह को पता है मेरे बारे। अच्छा, वही कह रहा था, नीचे चीज खा रहा था। हाँ, मगरिब के बाद ये नहीं बताया। 5 किलो दूध लिया ना, पेटिक नीचे आया, मुझे 10 किलो का कट्टा मिल गया। कह रहा भाई ये होगी जिंदगी तुम्हारी, अभी मत करना मेरे भाई। चाय भी हमारी बन चुकी है। पकड़ो, पहले इसको पकड़ोगे ना, फिर इसको पकड़ोगे। गाइज, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम काफ़ी दिनों बाद खाना खा रहे हैं, और यहाँ पे हमारा बिस्तर बिछ चुका है, बच्चे हमारे नीचे पहुँच चुके हैं अपनी माँ के साथ, और ईसा देखो आ गए हैं। अब क्या नई चीज़ लेके आई है? मोमिन को सबके जैसा होना चाहिए। ओके उस्तान जी, देखो मेरा भैया लाखों में हीरा सबसे पहले वजू करके आ गया। सुहेल भाई, बहन की दो खूबियाँ बताओ अच्छी अच्छी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। फिर भी दो बता दो, इतना ही काफ़ी है। हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी बहन में कितनी खूबी है, हमारा दिल जानता है कि हमारी बहन कैसी है। अच्छा, इनका नहीं जानता ना, जो देख रहे हैं, तो इन्हें भी बता दो क्या नेचर मेरा अच्छा है, कैसा है, किसके साथ कैसा है। बहुत सारी हैं, कहाँ से स्टार्ट करूँ समझ में नहीं आ रहा। दो बता दो यार, इतनी सारी। बहुत सारी हैं, बता तो जा कहीं मत जा। अब बहुत सारी है भाई, क्या बताऊं? बताओ मेरे बारे में, व्हाट यू थिंक अबाउट मी। पहली बात तो ये है, जितना बताया जाए उतना कम है, ठीक है? और अगर मैं बताने लगा तो शायद मगरिब हो जाएगी। अच्छा। बताते बताते अभी फजर हो रही है, देख लीजिए। अच्छा, चलो, गलत नहीं है। पहली चीज, मेरी बहन मेरे मतलब ये मेरे लिए दोस्त के जैसी है। अच्छा, ठीक। दूसरी चीज, हेल्पिंग भी है, बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी हैं, ठीक है? अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या बोलूं। नर्वस हो रही हो? हाँ, नर्वसनेस हो रही है। पांचों बहनें ऐसी हैं या मैं ही ऐसी हूँ? पांचों बहन में सबसे ज्यादा दर्जा जो दिया गया है वो आपको ही दिया गया है। ओए होए, ये बात अभी पांचों देखेंगे ना तो उनको बिचारी को सबके मैसेज आएंगे। पांच में तो देख ही रही हूँ, चार जो देखेंगे ना सबके डीएम आने वाले हैं, सबके डीएम आएंगे। 7 बजे तक अभी जाएंगे, क्या पता अगर ये अपलोड हो गई अच्छी जल्दी तो। बीबी की दो बीवी की दो खामियां बताओ, खूबियां। देखो जी, ऐसा है, मेरी बीवी जो है ना वो है लाखों में हीरा। सब यही कहते हैं, कहना पड़ेगा भाई, कमरे के अंदर हूँ, लॉक होगा कमरा भी। मेरी बीवी लाखों में हीरा, मेरी बीवी जैसी कोई नहीं, एक नंबर। और उससे अच्छी सारे काम करती है मेरी बीवी, सब कुछ करती है जो बोलता हूँ, बोल सकता हूँ भाई, मैं सब कुछ बोल सकता हूँ उस टाइम। खाना अच्छा बनाती हूँ। खाना, उंगलियाँ चाटनी पड़ जाती है मुझे खाना खाते खाते, और बोलना पड़ेगा भाई कमरे में बंदूक।
और क्या, बस और बस एक ही खूबी है। एक खूबी नहीं है, मैंने सब बता दी ना। नरम दिल नहीं है तुम्हारे साथ। ओहो बहुत रुई रुई गलत हो गया कार रुई भाई भी में क्या खूबी है, दो अच्छी खाना वाना खिला देती हैं। हाँ चाय बना के दे देती हैं। अच्छा और रात में बर्गर खिला देती हैं। अच्छा और बस दो ये तो खिलाना पिलाना हो गया, बाकी बस लड़ती तो नहीं है तुम्हारी भाभी, बाकी नमाज पढ़ो। लड़ती तो नहीं है भाभी तुम्हारी, खत्म हो गई? नहीं है, सही है तुम्हारे साथ? मैं भाभी डरती है मेरे से शिकायत तो नहीं है भाभी? भाई कोई नहीं है। ठीक है ठीक है भाभी, दो खूबियां बतानी है ना, एक ही खूबी होगी खाने पीने की। अब तो अनलिमिटेड में से दो तो बता सकते हो अच्छी अच्छी बस, बाकी तुम बाइक दिलाने वाली हो मेरे को, एक खूबी तो ये है, इसके बाद बताएंगे। सही है। कहाँ जा रहे हो? गावा। कहाँ जाओगे? ना जावा आगे। अच्छा मम्मा कैसी है? मम्मा अच्छी है। मम्मा अच्छी है। फरदीन भाई से पूछ लेते हैं, फरदीन मेरे अंदर की दो खूबियां बता दो भाई। भाभी बढ़िया है, काम पे टाइम आ जाती है। ये क्या था? टाइम पे काम आ जाती है। ये अच्छा था। और खाना मांगो खाना दे देती है, काम बाकी काम तो कर ही देती है भाभी। चलो बस ये चाय भाई भी बढ़िया पिला देती है। अब पिला रही हो तो बता दो। अभी अभी मैंने तुम्हारी भाई तुमने मतलब ये क्या था, तुमने तारीफ भी करी और हाथों हाथ काम भी बता दिया। टाइम पे काम आ जाती है और क्या लोगे। अभी तो मैं फिलहाल कुछ काम कर रही हूं, बता दो। ईद के बाद ही तारीफ होगी अब दोबारा। अब सर अपनी भाभी के बारे में कुछ बताओ भाई, दो खूबियाँ बतानी है और तुम्हारा मन करे ना तो चार भी बता सकती है यार। तो फर्स्ट जो है भाभी सबसे पहले सबसे घुल मिल जाती हैं, फ्रेंक है। सेकंड है भाभी खाना अच्छा पकाती हैं। अच्छा ठीक है। थर्ड है भाभी मेरे साथ बहनों की तरह रहती हैं। ठीक है और थर्ड हो गया ना। फोर्थ भाभी का दिल साफ है बिल्कुल सबके लिए, शफाफ। हाँ मतलब वही साफ है सबके लिए। और जैसे लोग करते हैं कि अपने नहीं ये मेरी चीज़ है, भाभी ऐसे नहीं करती। भाभी शेयरिंग केयरिंग। और हाँ भाभी अच्छी हैं। ओए होए आज तो पार्टी मिलेगी अक्सा को, क्या कह दिया इतनी तारीफ। ये मेरी नंद है और ये मेरी तारीफ कर रही है ना, तो बहुत बड़ी बात मानो। द नेक्स्ट डे अरे खाने दो ना। ये देखो ईसा ने क्या करा है, तोड़ दी सारी। मारू क्या बात है? हाँ सब रख लिए। हाँ जी ये आज हमने आलू ज्यादा बनाए हैं और हमारे यहाँ दाल खाई जाती है। डोंट से कोई ना बोलेगा ये फंगस लगी हुई है, ये मसाला है। और ये भी हमें थोड़े ज़्यादा बनाए हैं, ये भी हमें ज़्यादा बनाए हैं। अम्मी जी हमारी नहीं है, अम्मी जी गई हुई हैं नानी के यहाँ, मुझे छोड़े हुए। मेरा आज पेपर था और मैं अभी आई हूँ, आधे घंटे पहले ही आई हूँ मैं। इसको सही से करके रख देते हैं। आलू जूस आचू में पापा जूस। लाइट्स खोलना आशू, सारी लाइट्स खोल। पापा जूस। तो हमारा दस्तरखान लग चुका है लेकिन आज अम्मी नहीं है, अम्मी गई है अपने किसी रिलेटिव के इंतकाल में, है ना। वजीराबाद। ये तो मेरा जूस है। अल्लाह बंदी लाओ जी आप जूस और बच्चे का। ओए होए ओए होए मेरा है, मेरा है। क्या तो पापा को रोजा है? तो रोजा है, रोजा रोजा वो रोजा है। वैसे कुछ भी कहो यार, आज अम्मी नहीं है ना तो पूरा घर है ना बिल्कुल खाली खाली और अच्छा ही नहीं लग रहा, मतलब दस्तरखान भी खाली लग रहा है।
तो हमारे घर की रौनक, तो हमारी अम्मी अल्लाह मियाँ सभी की माँ को सलामत रखे। घर में माँ है तो रौनक है, अगर माँ नहीं है ना तो बस तो कुछ नहीं है। और ये मेरे साथ हमेशा होता है, जब जब अम्मी नहीं होती ना तो मुझे पता नहीं क्यों इतना लोनली फील होता है, बहुत ही बुरा, बहुत ही गंदा लगता है। चाय वाय पिला कर बर्तन बर्तन धो के किचन समेट के मैं आके बैठी तो ईसा ने मुझे अपनी चादर और ये तकिया ला के दिया है कि यहाँ पे मम्मा लेट हो, और ये उड़ा भी रहा है मुझे। मुझे लगता है इन्हें खुद नींद आ रही है शायद। नहीं क्रीम नहीं लगाओ भाई, भाई माफ करो, क्रीम नहीं लगानी। इधर आओ, इधर आओ बेटा, क्रीम नहीं लगानी, ऑयल नहीं लगाना। इधर आओ आप, देखो ये बाम लेने गए हैं। मम्मा चाहिए पैर, पैर चाहिए। ओके कम कम टू मम्मा लेपी, कम 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 टू मम्मा लेपी। बहुत नहीं, इधर आओ बेटा, अभी आओ, अभी आओ। तो ये स्पेशली हमारे अब्दुल अहद के लिए वीडियो, हमारे सना के बच्चों की। तो सना तो हमने नीचे भेज दी थी, स्पेशली हमने ये बच्चे मंगवाए हैं, मतलब रात में यहीं पे रहने के लिए मंगाए। तो मैं आपको बता दूं, अब्दुल अहद जो है हमारे सबसे छोटे 4 साल के सब्सक्राइबर हैं, जिनकी मम्मा ने बताया कि वो आपके सारे व्लॉग देखते हैं, स्पेशली पार्ट ऑफ गोट्स, मतलब बच्चों को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं। और अब्दुल अहद कैसे लग रहे हैं हमारे मेमे, आपको चाहिए? सो गाइज, हम यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड आप लोग नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।